हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मटर की पूड़ी। बहुत मुलायम सी पूड़ी बनने वाली है। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा। इसमें हम डालेंगे अजवाइन, हल्का सा नमक, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मोयन। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, रख दूंगी, रेस्ट कराऊंगी। मटर की कचौड़ी की फिलिंग के लिए मैंने मटर लिया है, हरा मटर मुलायम सा, और उसके लिए मैंने लहसुन, मिर्चा और कुछ ये हैं काली मिर्च, जीरा, धनिया, इसको हम अच्छे से कुटकुटा लेंगे। साथ में हींग, हल्दी, लाल मिर्च। अब सभी मसालों को इसमें हम कूट लेंगे। ये मसाले को मैं कुकर में तैयार करने वाली हूँ, जो कि बहुत झटपट तैयार हो जाता है। 1 चम्मच ऑयल, 1/2 हल्दी। अब इसमें मटर डालूंगी। मैंने 1/2 किलो मटर लिया है। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर, हींग, आप देख रहे होंगे मैंने जो है प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, स्वादानुसार नमक। इसको 5 से 6 मिनट तक इसको भूनेंगे, इसी तरह एकदम धीमे आंच पे। मटर फ्रेश है इसलिए जो इसमें एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और हल्की सी 1 सीटी लगानी है। आप देख रहे होंगे कि ये मटर बहुत अच्छे से पक गया है। इसको केवल मैसर से जो है इसको हमको दबाना है। अगर पानी इसमें छोड़ा होगा हल्का तो हम इसको पानी को सुखा लेंगे धीमे आंच पे। ये मैसर है, इसको हम मैस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मिक्सर गीला है तो इसमें हम अरारोट का इस्तेमाल करेंगे और डाल के इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ठंडा होने पर यह हार्ड हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो एक तरफ तवा चढ़ाया है, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई है। एक लोई लेंगे और इसको जो है 2 उंगलियों की सहायता से, दोनों अंगूठा बीच में रहेगा, और इस तरह करते जाएंगे। इसमें अपनी मटर वाली फिलिंग तैयार करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे और एक साइड से इस तरह अब हल्के मीडियम आंच पे आप इसको, लोइयों को जो हमने तैयार किया है इसको हम धीमे आंच पे सेक लेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके नीचे ऐसे हो गया है लाल लाल और ऊपर से भी कलर छोड़ दिया है, तो हम इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से हल्का हल्का पक गया है। अब हम कढ़ाई में इसको डालना, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए तेज आंच पे। मैंने चेक किया, ऑयल गर्म हो चुका है। अब आंच को मीडियम से हाई फ्लेम पे रख लेंगे और इसमें एक एक डालेंगे कचौड़ियों को। इस तरह से बनाने से कचौड़ियां बिल्कुल भी ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करती हैं। इसको अब आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। जैसे जैसे ये देखिए पूरा मुंह खुलने लगा है, यानी कि ये ऊपर से उभार आना शुरू हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। इसको हम इसको पलट देंगे। आप देखिए कचौड़ियां कितनी अच्छे से फूल गई हैं। ये ऑलरेडी जो है पहले ही तवे पे पक चुकी थी, बस इसको तेज आंच पे फ्राई करके निकाल देना था। खस्ती कचौड़ियां बनके तैयार हैं।